हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो टू माय चैनल गार्डनिंग बाय संचित। आज का वीडियो होने वाला है नींबू की कलम की ग्राफ्टिंग के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट अपने लेमन ट्री के वीडियो में अपडेट दिया था आपको, जहां पर हमने ये वाली जो है कलम एक ग्राफ्ट की थी लेमन ट्री के अंदर। सो अब हम करने वाले हैं एक नया नया ग्राफ्टिंग, आपको स्टार्टिंग से दिखाएंगे। अब सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमने एक सेमी सॉलिड ब्रांच लेनी है जिसके ऊपर फ्रूट नहीं है, और उसको एक शार्प ब्लेड से, जो कि आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगा, ऐसा जैसे कि हम बचपन में पेंसिल को शार्प करते थे उसी तरह इसको शार्पन कर लेना है, और इस शेप में शार्पन करना है कि एक वेज की शेप बन जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर रूटिंग पाउडर लगाना है, इसी के मॉइस्चर से रूटिंग पाउडर इसके ऊपर चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है इजीली, बहुत थोड़ा सा। बहुत थोड़ा सा। नाउ वी कम टू द ग्राफ। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ स्प्लिट स्प्लिट इन द ब्रांच जहाँ हमने ग्राफ्ट करना है, इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट इज़ हमने जो अपनी कलम है बनाई है उसको इसमें इंसर्ट कर देना है, बिकॉज़ इनकी जो है शेप वो बहुत लॉक एंड की टाइप है, तो ये एकदम से उसको ग्रिप कर लेता है इजीली। आप छोड़ भी देंगे अगर इसको कलम को, तो ये फॉल ऑफ नहीं करेगी। नाउ वी हैव टू अप्लाई टेप ऑन दैट। हमने इलेक्ट्रिकल टेप चूज़ की है बिकॉज़ आजकल बारिश बहुत हो रही है और ये बारिश में थोड़ा सस्टेन कर जाती है, डैमेज इजीली नहीं होती। आप चाहें तो इसके ऊपर मॉस भी लगा सकते हैं थोड़ा मॉइस्चर के लिए, और कोकोपीट भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको एक एनवलप में या किसी प्लास्टिक, उसके प्लास्टिक की केसिंग के साथ जो है पॉलीथिन की जो केसिंग है उसके ऊपर लगा कर भी आप उसको टाइटली ग्रिप कर सकते हैं, बट वी हैव चोजन दिस बिकॉज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, लेट अस सी कैसा आता है। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है एज़ यू कैन सी। अब इसका रिजल्ट हमें पता चलेगा कुछ वीक्स में कैसा आता है, सो लेट अस वेट। आई विल कीप यू पोस्टेड और मैं अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में, बिकॉज़ यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है, हमने ज़्यादा गार्डनिंग की नहीं है पिछले कुछ दिनों में। एज़ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ वेट एंड मॉइस्ट, जो भी है वाटर लॉगिंग भी हो गई है। ये मेरा कैक्टस गार्डन है छोटा सा, इसमें अभी वाटर लॉगिंग हो गई थी तो काफ़ी डैमेज हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अबाउट द केयर ऑफ दिस ब्रिंजल, बैंगन के पौधे हैं हमारे पास कुछ, इनकी प्रूनिंग कैसे करनी है, हाउ टू मेंटेन देम ताकि इनके ऊपर अच्छे फ्रूट्स जो है वो ग्रो करें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा शेप एंड साइज़ का जो है बैंगन हमारे इस पे ग्रो कर रहा है। सो आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट दिस ऑल्सो, आई विल पोस्ट नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस ओनली। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, गिव फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।